हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो दिस व्लॉग गोइंग टू सो मच इंटरेस्टिंग बिकॉज फ्रॉम टुडे एंड फ्रॉम दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू टेकिंग अ 30 डेज प्रोडक्टिविटी चैलेंज। सो टुडे आई एम गोइंग टू प्लान माय 30 डेज, आई मीन अ मंथ। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो एंड कमेंट्स योर बेस्ट प्रोडक्टिविटी हैबिट। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज है 1 जुलाई, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, जुलाई मंथ। सो अभी है बारिश का मौसम एंड देखो मौसम कितना कोजी हो रखा है। सो आई एम रेडी टू टेक द चैलेंज और मैं अभी उठी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द डे। ऑलरेडी गेटिंग लेट, सो मैंने शूट नहीं किया है तैयार होने का वीडियो कोई भी अभी। सो जस्ट मैं ये शूट कर रही हूँ, मैं तैयार हो चुकी हूँ एंड नाउ मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी एंड रेडी टू गो फॉर क्लासेस। तो आज बना था बेसन का चीला जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। चैलेंज में ये भी एक इंक्लूड है कि आपको हेल्दी खाना है। सो मैं चीला खाऊँगी एंड जस्ट वी आर रेडी टू गो। और लुक एट द वेदर, इट सो वेरी ब्यूटीफुल। तो आफ्टर क्लासेस आई एम डिसाइडेड दैट कि मैं स्टे करूँगी, यहीं पे रहूँगी एंड अपना पूरा मंथ प्लान करूँगी। उसके लिए मैं एक प्लानर शीट बना रही हूँ जो कि जिसके थ्रू मैं अपना पूरा एक एक डे को प्लान कर रही हूँ होल मंथ का, जिससे मेरे को डेली अपने आप को मोटिवेटेड भी रखना है कि मैं प्रोडक्टिविटी चैलेंज जो है वो कंप्लीट करूँ एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे राइट भी करना है। तो प्लानिंग में ये है कि डेली जो भी चीज़ें मैं करूँगी उसके लिए मैं अपने आप को रिवॉर्ड भी करूँगी, प्लस मैं अपने आप को मतलब पूरी तरह प्रिपेयर करूँगी नेक्स्ट डे के लिए। सो यहाँ मैं शीट तैयार कर रही हूँ। बेसिकली मुझे शीट तैयार करना खुद ही पसंद है, जैसा हम स्कूल्स में करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हियर माय शीट इज़ रेडी, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरे अपने 30 डेज़ का कैलेंडर बना लिया है, जो कि जो एसेंशियल चीज़ें वो भी मैंने साइड में लिख ली हैं। ये 2023 का है। जब कोई चीज़ आप अपने हाथों से बनाते हैं ना, आप उसको करने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। वो था एंड एक पैसे की बचत भी हो जाती है। इसके लिए मैं कैलेंडर लेकर आती, मैं इसके लिए फिर नोटबुक्स लेकर आती, तो मे बी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता। सो फिर अब मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ अपना, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी मुझे आज क्लासेस में पढ़ाई गई हैं तो मैं सब रिवाइज कर रही हूँ। पास सेवरल मंथ्स आई फेस सो मच ऑफ अनऑर्गेनाइज डेज। तो फाइनली आई डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज माई लाइफ एंड माई डेज, बिकॉज जब तक आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं करोगे चीज़ें वैसे नहीं होंगी जैसा आप चाहोगे। एंड सो मच ऑफ रीज़न बिहाइंड देम, मतलब इमोशनली भी एंड फाइनेंशियली जो भी मतलब रहे होंगे। बट नाउ मैंने डिसाइड किया है कि नहीं, अब मैं ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। सो अब हम घर आ चुके हैं, शी इज़ मेकिंग लंच और मैं रेडी हो चुकी हूँ। कपड़े वपड़े क्लॉथिंग वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं एंड सबसे पहले आके मेरा काम है कि मैं जाके जो भी स्टफ़ है वो मैं किचन का क्लीन कर लूँ, बिकॉज़ ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती है जहाँ से प्रोडक्टिविटी आपकी स्टार्ट होती है। आप जब छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने लगते हो तब आप जाके बड़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हो, और ये सच में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब छोटी छोटी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ तब बड़ी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करने के बाद आप खुद अपने आप में, जैसे आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हो आप लाइफ भी ऑर्गेनाइज फील करने लगते हो, आपको सारी चीज़ें क्लीन लगती हैं, आपका इन्वायरमेंट क्लीन होता है एंड ऑब्वियसली जब इन्वायरमेंट क्लीन होता है तो मेंटली भी आप बहुत अच्छा फील करने लगते हो। उसके बाद फर्स्ट क्लीनिंग कर लूँगी, बिकॉज़ फर्स्ट क्लीनिंग इसलिए डेली ज़रूरी है। वो आज लंच पे बन रहे हैं कोचाई की सब्ज़ी, जो कि मे भी मेरे स्टेट में से कोचाई बोला जाता है, जो कि कांदे जैसा होता है। आप मुझे आपके साइड क्या बोलते हैं नहीं पता। ये जो टाइम होता है जब हम अपने सारे दिन का जो भी अपने माइंडसेट का वो सब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और थोड़ा सा फ़ोन भी देख लेते हैं। खाने के बाद मैं वॉक कर लेती हूँ, बिकॉज़ तुरंत से बैठना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो मैं थोड़ा वॉक कर रही हूँ,
आपको भी करना चाहिए, इट इज़ वेरी 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 यूज़फुल। और एक आता है वज्राशन, आप वो भी कर सकते हैं खाने के बाद, क्योंकि मेरा डाइजेशन वीक है तो मुझे करना एसेंशियल होता है। और मैं अपने डेली रूटीन में कभी कभी मैं ये भूल भी जाती हूँ, बट अब मैं इस चीज़ को शामिल कर रही हूँ बिकॉज मेरे गट हेल्थ भी मेरे ज़रूरी है। उसके बाद नाउ अब टाइम है मेरा जो शीट है उसको चिपकाने का। मैं सोच रही थी कि इसके मैं वॉल पे चिपकाऊँ पर वॉल पे ज़्यादा नज़र नहीं जाएगी, तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको अपने स्टडी टेबल पे ही चिपकाऊँगी, क्योंकि वो जब भी मैं वहाँ पे पढ़ूँगी मेरे को वो चीज़ दिखेगा एंड एवरी टाइम मुझे याद आते रहेगा एंड मैं मोटिवेट होती रहूँगी कि नहीं मुझे टास्क कंप्लीट करने हैं डेली के। तो फिर झटपट से मैं इसे अपने डेस्क पे चिपका दूँगी। यू नो, आप दिन भर जब कोई एक चीज़ देखते रहते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठते जाती है। तो वही चीज़ है, जब मैं उसको हर टाइम देखूँगी मेरे स्टडी टाइम पे तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा और वो मुझे इन्फ्लुएंस करेगा मेरे पूरे वर्क को करने के लिए। में कुछ ऐसे टास्क हैं जो ने मैंने वीकली बेसिस पे रखे हैं, कुछ ऐसे टास्क हैं जैसे मैंने डेली बेसिस पे रखे हैं। डेली बेसिस पे मैंने अपने जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली मेरी पढ़ाई को भी ऑर्गेनाइज कर ली है कि मुझे इस मंथ पे सिलेबस के कितने चैप्टर्स और कितनी चीज़ें तैयार करनी है, क्योंकि मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए अभी 6 to 5 months हैं। तो इन 6 to 5 months में दिस टाइम मुझे इसे क्रैक करना ही है, इसलिए मैंने जल्दी से ऑर्गेनाइज़ किया ताकि मैं रिवाइज भी कर सकूँ। अनऑर्गेनाइज करके आप पढ़ोगे तो चीज़ें छूट जाती है, और ये मेरे साथ पास्ट 3-4 months से हो रहा है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले सिलेबस बना लूँगी उसके बाद करूँगी। 30-day challenge इसलिए क्योंकि आप 30 days कोई चीज़ को करते हो, या आपने सुना ही होगा कि आप 30 days जब कोई चीज़ को करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो टू मेक अ हैबिट मैंने ये चैलेंज लिया है, और फिर मुझे अपना डेली 6 hours ऑफ स्टडीज़ भी इसके साथ करना है। तो मुझे ऑल ओवर अपने मेंटली भी और फिज़िकली भी मुझे हेल्दी रहना है। इसके लिए मुझे अपने काम भी कंप्लीट करते रहना है, एंड ऑल्दो मुझे ये भी है कि मुझे स्ट्रेस ना हो, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें हो, बट आपको ऑटोमेटिक यूं ही स्ट्रेस हो जाता है। सो अब मैं अपना स्टडी आवर स्टार्ट करती हूँ। हेयर इज़ माई मंथली प्लानर शीट। सो जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं मैंने एक लिस्टेड कर दिए हैं जो कि मुझे याद दिलाते रहेंगे। और इसमें भी मैंने कुछ चैलेंजेस लिए हैं कि नॉन स्पेंड डे एंड सो मच थिंग, क्योंकि सेविंग भी करनी होती है, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं स्टडी कर रही थी, खिड़की खुली हुई थी तो जो सनलाइट है वो डायरेक्ट फोकस हो रही थी। हाँ थोड़ी गर्मी लग रही थी बट ऐसा फील हो रहा था कि सनलाइट मुझे फोकस कर रही है पढ़ने के लिए। मतलब मोटिवेशन ना आप कहीं से भी ले सकते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो।
तुम्हारा हेयर स्टाइल दिखा। भी जरूरी है आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज आप दिन भर एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं रह सकते, तो ये भी ज़रूरी है। तो मुझे बड़ी अच्छी सेल्फ पोर्ट्रेट वाली फीलिंग आ रही थी, आप भी बताना आपको आ रही है कि नहीं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, शाइनी स्किन, शाइनी सनलाइट, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब पढ़ते पढ़ते ही मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो अपना वन स्लॉट कंप्लीट करने के बाद अब मैं थोड़ी सी फिज़िकल एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैठने की वजह से। फिर मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ। वेदर एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। नेचर कहीं ना कहीं आपको मेंटली पीस देता है, जो कनेक्ट करता है आपको एक्सटर्नल पीस और इंटरनल पीस से। तो बहुत ही अच्छा कोजी वेदर हो चुका है, तो फाइनली वी डिसाइडेड कि हम बाहर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये भी ज़रूरी है ना, आप डेली आपको आउटसाइड ज़रूर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए एंड ब्रेथ टेकिंग के लिए अच्छा होता है। तो फाइनली मैं रेडी हूँ और हम चले वॉक के लिए। तो वेदर बहुत अच्छा हो रखा था। मतलब समटाइम्स ना आपको बाहर जाना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि आप अपने आप को फाइंड करते हो बहुत ज़्यादा। आप मतलब अपने आप को अगर टाइम देना चाहते हो तो बेस्ट है कि आप एक एक्सटर्नल पीस में जाओ और थोड़ा सा ध्यान कर लो अपने लिए। कांट अवॉइड पानी पूरी बिकॉज वो तो लव है, तो ये खा सकते हैं बिकॉज ये आटे से बना होता है। उसके बाद रात में हम करेंगे डिनर, अपना फेस वॉश करने के बाद, ब्रश करने के बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी अपने सेकेंड स्लॉट के लिए, जो कि मुझे करना है अभी पढ़ाई। सो कंसर्न अबाउट माई सेल्फ केयर बिकॉज वो भी ज़रूरी है। हाइजीनिक होना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप सब सेल्फ केयर करते हो तब भी वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। To represent yourself in front of others, it's very important to concern about your skin. उसके बाद मैं अपना next slot start करती हूँ study का रात में। उसके बाद face wash करने के बाद मैं कुछ देर तक ही जगूँगी। अभी मेरा घड़ी ख़राब है तो मैं आपको time नहीं दिखा पा रही हूँ। Finally time हो जाता है मेरे सोने का, तो फिर अब मैं बिस्तर ready कर रही हूँ। So अब मुझे नींद आ रही है। If you like the vlog, please hit the like button and also subscribe my channel. हो गया तो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करते रहूँगी, बस एडिटिंग थोड़ी अच्छी नहीं हो पाएगी तो प्लीज़ अवॉइड कर लेना। एटीट्यूड मस्ट है गॉड के लिए एंड अपने पेरेंट्स के लिए। सो उसके बाद प्रार्थना करने के बाद मैं सो जाऊँगी, लाइट्स ऑफ करूँगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो सब्सक्राइब माई चैनल।